नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं शुभकरण सहायक आचार्य EFM, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज BCOM पार्ट थर्ड के लिए EFM पेपर प्रथम में ग्रामीण विकास एवं सहकारिता, रूरल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन के अंतर्गत यूनिट संख्या 5 में चैप्टर राज्य एवं सहकारिता, स्टेट एंड कोऑपरेशन में जो अपना टॉपिक है राज्य सहकारी विभाग या सहकारी विभाग के कार्य, जिसमें फंक्शन ऑफ कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के बारे में हम चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की कि राज्य एवं सहकारिता के अंतर्गत कि राज्य एवं सहकारिता से आप क्या समझते हैं और उसके विभिन्न स्वरूपे कौन कौन से थे। इसी क्रम में हम आज चर्चा करेंगे कि सहकारी विभाग के कौन कौन से कार्य हैं। इन कार्यों की चर्चा करने से पहले इसकी हम भूमिका के बारे में जानें कि राज्य सहकारी विभाग क्या है। राज्य में जो सहकारी विभाग है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट इन स्टेट में, कि राज्यों को सहकारी आंदोलन के विकास की जिम्मेदारी को सौंपने के बाद में राज्यों में सहकारी विभाग का गठन किया गया, जिसमें यह विभाग राज्य के अन्य विभागों की तरह ही काम करता है। इसके द्वारा किए गए व्ययों की पूर्ति के लिए बजट में प्रावधान भी किया गया है। सरकार विकास के लिए कानून बनाने का अधिकार भी राज्य सरकारों को प्राप्त है। इन अधिकारों के अंतर्गत राज्य सरकारों ने झगड़ों को निपटने के लिए या लाभ हानि का बंटवारा करने के लिए या लाभांश की अधिकतम दर को निर्धारित करने के लिए या संबंध के नियम या उपनियम बनाए हैं। इस नियम और उपनियमों को क्रियान्वित करने के लिए सहकारी विकास में सहयोग को सार्थक करने के लिए सहकारी विभाग का गठन किया गया है। इसमें सहकारी आंदोलन का व्यवस्थित व समन्वित विकास भी हो सकेगा और राज्य के सहकारी विभाग पर राज्य की सहकारी आंदोलन के विकास का दायित्व भी होता है। अब हम बात करें इसकी रजिस्ट्रार की स्थिति, पोजीशन ऑफ रजिस्ट्रार। सहकारिता का रजिस्ट्रार सहकारी विभाग को सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी इसमें होता है। सहकारी आंदोलन की सफलता इसकी योग्यता, कुशलता और इसकी सहकारी भावना पर निर्भर करती है। अतः रजिस्ट्रार एक ऐसा होना चाहिए या ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सहकारी विचारधारा का समर्थक हो। सहकारी प्रशासन पर समिति ने रजिस्ट्रार के बारे में कहा है कि रजिस्ट्रार अब एक सबसे अधिक माध्यम है जिसके द्वारा लोकतांत्रिक सरकारों को अपनी उत्कृष्ट सामाजिक और आर्थिक आकांक्षाओं को प्रभावशाली बनाना पड़ता है। इससे सरकारों के आदर्शों व अवशोषण करना और गैर अधिकारी नेतृत्व के परामर्श के रूप में निश्चित रूप देना है, साथ ही जिसे प्रशासनिक वास्तविकता को बनाए रखना और लोकप्रिय सरकारों को उचित परामर्श भी देना पड़ता है। रजिस्ट्रार सहकारी विभाग का प्रमुख अधिकारी भी होता है, जो कि राज्य के लिए और राज्य की सरकार की सहायता संबंधी नीति का भी क्रियान्वित करता है और रजिस्ट्रार की सहायता से एक उप रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार भी होते हैं। सहकारी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रार का कार्य समितियों के रजिस्ट्रेशन के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त करना, उसकी जांच करना, समितियों के उपनियम उसकी संशोधन की रजिस्ट्री करना और संपत्ति और दायित्वों का मूल्यांकन करना, अवधि पार ऋणों की सूची तैयार करना, निरीक्षण करना, अकेक्षण करना और समितियों को भंग करना और उसका समापन इसमें शामिल किया गया है। रजिस्ट्रार को इस बात का भी ध्यान रखता है कि सहकारी अधिनियम और उपनियम की पालना की जा रही है या नहीं की जा रही है, तो राज्य के विभिन्न जिलों में सहकारी समितियों या समन्वित विकास की जिम्मेदारी भी रजिस्ट्रार की होती है। इस दृष्टि से रजिस्ट्रार एक कुशल, योग्य, अनुभवी और विशेषज्ञ समर्पित व्यक्ति होना चाहिए। तो इसी प्रकार हम बात करें सहकारी विभाग के कार्यों की, तो सहकारी अधिनियम के सहकारी विभाग के अनेक अधिकार व शक्तियाँ प्रदान
की गई हैं, जिसके आधार पर सहकारी विभाग के अनेक कार्य करने पड़ते हैं। यह विभाग सहकारी आंदोलन का मूल्यांकन करने और उसके विकास के आंकड़े एकत्रित करने और सहकारी शिक्षा व प्रशिक्षण संबंधी भी अनेक प्रकार के कार्य करता है। इस विभाग का प्रमुख रजिस्ट्रारी होता है, अतः इन कार्यों को संपन्न करने का दायित्व भी इसी का ही होता है। तो इस प्रकार सहकारी विभाग के कार्यों को दो भागों में बांटा गया है। दोनों भागों में हम चर्चा करेंगे, एक तो वैधानिक कार्य और विकास एवं परिवर्तन संबंधी कार्य। पहला है वैधानिक कार्य, जो लीगल फंक्शंस हैं, वैधानिक कार्य। दूसरा है विकास एवं परिवर्तन कार्य। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। वैधानिक कार्य, वैधानिक कार्यों में लीगल जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं या लीगल जो क्रियान्वित है उनके आधार पे ये कार्य होते हैं, जिसमें इन कार्यों का निर्धारण भी सहकारी अधिनियम के द्वारा किया जाता है। ये कार्य वैधानिक कार्य कहलाते हैं। रजिस्ट्रार को इन कार्यों को करने की शक्ति सहकारी अधिनियम से ही प्राप्त होती है। इन कार्यों के अंतर्गत समितियों का रजिस्ट्रेशन करना, उपनियम में संशोधन करना, झगड़ों को निपटारा करना, समितियों की कार्य विधियों को उसकी जांच करना, हिसाब किताब का कलेक्शन करना, अधीन निर्णय देशों की पूर्ति करना, समितियों का समापन करना आदि इसमें आते हैं। और रजिस्ट्रार को इस बात का भी ध्यान में रखना होता है कि सहकारी समितियां जो बनी हैं वो नियम उपनियम के पालना की जाए और सहकारी कानून के विरुद्ध कोई भी कार्य न करे। वैधानिक कार्य इसमें इस प्रकार हैं, जिसमें प्रथम हम बात करें कि प्रत्येक सहकारी समिति को अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए, जिससे सहकारी विभाग सहकारी अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुसार समितियों का रजिस्ट्रेशन करता है। दूसरा, सहकारी विभाग सहकारी समितियों की हिसाब किताब व अकेक्षण का कार्य भी करता है। उनसे ऑडिटिंग और अकेक्षण से संबंधित भी कार्य सहकारी विभाग के द्वारा संपादित करने होते हैं। तीसरा है, सहकारी विभाग कार्य विधि या निर्धारित करके इस बात की भी जांच करता है कि समितियां निर्धारित कार्य विधि के अनुसार कार्य कर रही है या नहीं। यदि नहीं है तो उसमें किस प्रकार के सुधार किए जाएं, यह भी निर्देश देता है। तीसरा, यदि सहकारी समितियों में झगड़े हो जाते हैं तो रजिस्ट्रार उसका प्रतिनिधि नियमों के आधार पर निष्पक्ष पंच निर्णय दे सकता है। चौथा, विभागीय जो सहकारी विभाग सहकारी समितियों के जो प्रबंधक हैं वह कर्मचारियों की सहकारी नियमों से भी अवगत कराता है कि उसके अनुरूप कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। चौथा, छठा, यदि कोई समिति लगातार सहकारी नियमों का उल्लंघन करती है एवं स्वयं समापन की मांग करती है तो रजिस्ट्रार उसके समापन की व्यवस्था भी कर सकता है। तो इस प्रकार कोई भी समिति अगर स्वेच्छा से वो समापन करना चाहती है अपनी समिति की, तो रजिस्ट्रार से अनुमति लेकर के रजिस्ट्रार उसके नियमानुसार कार्रवाई करके उसकी समिति को समापन कर सकता है। अगला है अंतिम, कुछ विशेष परिस्थितियों में किसी भी समिति की प्रबंधकारिणी समिति को भंग भी कर सकता है तथा प्रबंध संचालन के लिए अन्य उचित व्यवस्था भी कर सकता है। ये भी एक पावर है, समिति को भंग करना, उसकी प्रबंध एवं संरचना को किस प्रकार से क्रियान्वित करना भी इसमें शामिल किया गया है। दूसरा, विकास एवं प्रवर्तन कार्य, डेवलपमेंट और प्रमोशनल जो फंक्शंस हैं उसकी बारे में हम चर्चा करें तो सहकारी विभाग का दूसरा कार्य विकास एवं प्रवर्तन संबंधी भी है, क्योंकि नियोजित आर्थिक विकास की नीति के कारण भी इसका महत्व है और बढ़ भी गया है। इन कार्यों को निम्नलिखित कार्य करने होते हैं, जिसमें पहला है, सहकारी विभाग इस बात की जांच करता है कि जिन समितियों का रजिस्ट्रेशन किया गया है वे सहकारी व्यवसायिक उद्देश्यों को पूरा कर रही है नहीं, क्योंकि कोई भी समिति की जब हम स्थापना कर रहे हैं तो उसके पहले ऑब्जेक्टिव होते हैं, उन ऑब्जेक्टिवों को वो पूरा कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। अगर वो नहीं कर पा रही हैं तो जो विकास और नव परिवर्तन के कार्य नहीं हो पाएंगे। तो सहकारी विभाग
इस बात की जांच करेगा कि जो भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है उनके उद्देश्यों का सही तरीके से क्रियान्वयन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। सहकारी विभाग इस बात भी जांच करेगा कि प्रत्येक सहकारी समिति को अपना विकास करने के लिए वांछित सहयोग की सफलता मिल पा रही है या नहीं, क्योंकि इसमें बिना सहयोग के ये समितियाँ क्रियान्वित नहीं हो पाती हैं, तो इनमें संपूर्ण सहयोग हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तीसरा है, सहकारी विभाग भी इस बात की निगरानी करता है कि सहकारी समितियां सहकारी सिद्धांतों आदर्शों का पालना करते हुए सुचारू रूप से अपना व्यवसाय चला पा रही हैं या नहीं, या यह विभाग भारी संस्थाओं और सहकारी समितियों के मध्य कड़ी का काम कर रही है या नहीं। तो इस प्रकार यह विभाग सहकारी समितियों की वित्त व्यवस्था को वित्त व्यवस्था के संबंध के रूप में भी सलाह देता है। यह विभाग समितियों को सलाह देता है कि किन स्रोतों से कितनी पूंजी इकट्ठी हो रही है, तो यह एडवाइजरी का भी काम करता है, सलाह का भी काम करता है कि जो सहकारी विभाग जो डिपार्टमेंट हैं उनके विकास और नव प्रवर्तन के आधार पर ये क्रियान्वित हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। तो इस प्रकार से यह विभाग इस बात की भी जानकारी करवाता है कि समितियां और अपने नियम और उपनियमों की पालना कर पा रही या नहीं कर पा रही, और इस बात की भी जांच करता है कि समितियों की योजना में की गई व्यवस्थाओं को पूरा फायदा उठा रही है या नहीं उठा रही है। इसे वित्त व कच्चा माल, तकनीकी सहायता, गोदाम व्यवस्था और विपणन व्यवस्था आदि के संबंध में आवश्यक सहयोग या सहायता मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। तो ये भी एक एनालिसिस करेगा कि सहकारी विभाग एक सही तरीके से नियमानुसार कार्य कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। तो इस प्रकार से हम बात करें, यह विभाग सहकारी आंदोलन की प्रगति का मूल्यांकन करके सरकार को आवश्यक सलाह भी देता है ताकि इसकी प्रगति में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके, और सहकारी आंदोलन की प्रगति के आंकड़ों को इकट्ठा करता है और उसे प्रकाशित करता है कि सहकारी शिक्षा प्रशिक्षण और प्रसार की व्यवस्था करना भी इस विभाग की जिम्मेदारी है। इस प्रकार से हम निष्कर्ष रूप से कहें कि इन कार्यों के संबंध में सहकारी प्रशासन समिति ने कहा है कि सहकारी विभाग के प्रवर्तन और विकास संबंधी भूमिका इस प्रकार सहकारिता के सहकारी एवं वित्तीय सलाहकार के रूप में है। भारी संस्थाएँ इसमें सरकार या अन्य विभाग भी सम्मिलित हैं और सहकारिता के मध्य संपर्क संस्था के रूप में भी कार्य कर सकती है। तो इस प्रकार से राज्य व सहायता के चैप्टर में स्टेट एंड कोऑपरेशन के अंतर्गत सहकारी विभाग के कार्यों के बारे में हमने चर्चा की, जिसमें वैधानिक कार्य और विकास संबंधी या नव प्रवर्तन से संबंधी कार्य, मतलब कहने का मतलब अंतिम में ये हुआ कि ये समितियाँ या ये विभाग का यही कार्य होता है कि नियमानुसार ये समितियाँ कार्य संपादित कर पा रही हैं या नहीं कर पा रही हैं। नियमों के विरुद्ध अगर कार्य कर पाती हैं तो उन समितियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का भी एक प्रावधान रखा गया। तो कहने का तात्पर्य है कि सहकारी विभाग एक अहम अथॉरिटी या अहम संस्था है जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के कार्य समितियों को सौंपे जाते हैं, जिससे आसानी से वो समितियां कार्य संपादित करने में सक्षम हो सके। तो इस प्रकार राज्य सहकार ग्रामीण विकास सहकारिता के अंतर्गत राज्य सहकारिता के अंतर्गत अगर राज्य सहकारिता के अंतर्गत आपके एग्जाम में अगर चैप्टर में क्वेश्चन आता है तो 3% में से 1% कोई सा भी पूछ लेते हैं कि राज्य सहकारिता के जो स्वरूप हैं वो कौन कौन से हैं, या सहकारी विभाग के कार्य कौन कौन से हैं। तीसरा, या राज्य सहकारिता या राज्य सहायता के पक्ष में तर्क कौन कौन से हैं और विपक्ष में तर्क कौन कौन से हैं, इनसे संबंधित ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में इससे पूछते हैं, क्योंकि ये चैप्टर भी उपयोगी है और आपके यूनिट संख्या 4th में ये अंतिम चैप्टरों में आती हैं, जिससे आपका ये रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत भी कोर्स भी है कम्प्लीट लगभग होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर के बाद में 2 चैप्टर और बचे हैं जिनको भी हम अच्छे वीडियो के माध्यम से आपको डिलीवर करेंगे, साथ में नोट्स भी आपको उपलब्ध करवाएंगे जिससे आपके एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स उपलब्ध हो सकें। तो हम जल्द ही अगले वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे कि राज्य सहायता की जो वांछनीयता है या राज्य सहायता के जो पक्ष में तर्क कौन कौन से हैं और विपक्ष में तर्क
कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में मिलेंगे। बहुत ही बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।